पीलीभीत में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। इसके बावजूद अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते चले आ रहे हैं। यहां पर दो भाइयों के झगड़े में गई पीआरबी पर तैनात सिपाही को दबंग ने चाकू मार दिया, जिसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर भारी पुलिस मौजूद है। दरअसल पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले गांव नाकुड़ में दो भाइयों का झगड़ा हो रहा था, जिसकी सूचना 112 पर दी गई। मौके पर पीआरबी 5920 पर तैनात राशिद अपने सहयोगी सिपाही के साथ पहुंचा तो मौके पर दो भाइयों का झगड़ा हो रहा था। जैसे ही दोनों भाइयों को समझाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे, उसमें से एक ने राशिद के पेट में छुरा भोंक दिया। राशिद गंभीर हालत में वहीं पर गिर पड़ा, जिससे उसका साथी अपना पीआरबी में लाद कर भागा। साथ ही रास्ते में इसकी जानकारी स्थानीय थाने को दी गई। अस्पताल पहुंचने के साथ ही साथ सीओ सिटी समेत भारी पुलिस बल अस्पताल पहुंच गया। 2024 को रात्रि के समय पीआरबी को सूचना प्राप्त हुई, गांव नाकुड़ थाना कोतवाली क्षेत्र में दो भाइयों में विवाद हो रहा है। इस सूचना पर पीआरबी मौके पर पहुंची, वहां जाकर के दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। तभी उसमें से पक्षकार आक्रोशित हो गए और उन्होंने पीआरबी के कर्मचारी राशिद पर चाकू से हमला कर दिया। हमला करने वाला कुछ मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। मजरूह कांस्टेबल राशिद को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया, यहां से अग्रिम उपचार के लिए हायर सेंटर बरेली रेफर कर दिया गया, जहां उसका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, उपचाराधीन है। अभियुक्त विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।